गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग क्लासेस. दिस इज़ योर साइंस पीरियड. आई एम अ साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 4. आज हम लोग लेसन 4 की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर साइंस कॉपीज क्विकली एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टुडेज डेट. आज की डेट डालेंगे हम लोग. टुडे इज 22/7/2020. ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट डाउन क्लास वर्क. अंडरलाइन द क्लास वर्क. ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट डाउन द लेसन नंबर एंड लेसन नेम. दिस इज लेसन 4 animals, our friends. All right, underline the heading of the lesson with the help of your pencil and scale. All right, so now let's move to the exercise. Today we will do exercise D, that is answer the following questions. Underline the name of the exercise. So let's move to the question answer now. Our first question is, write down names of any 3 farm animals. All right, here you have to write down the names of any 3 farm animals. कोई भी 3 farm animals के नाम आपको लिखने हैं. Farm animals क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है. The animals that are kept in our farm. ऐसे animals जो हम लोग farm में रखते हैं. We make homes for those animals. We look after them. They are used for various purposes. So you can write any name. Here I will write, our first farm animal is sheep. Sheep is a farm animal. We get wool from the sheep. Sheep se kya milta hai? Wool milta hai. Hen. Hen is also a farm animal. हेन से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं. चिकन. आवर थर्ड फार्म एनिमल इज काउ. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, फ्रॉम विच वी मेक वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स. ऑल राइट, सो दीज आर द फार्म एनिमल्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. शीप्स कहाँ रहते हैं? शीप्स पेन में रहते हैं. हेंस कहाँ रहते हैं? हेंस लिव्स इन कूप एंड काउज लिव्स इन शेड. Let's move to the second one. Our second question is, write down names of any 3 pet animals. Here you have to write the names of any 3 pet animals. ऊपर कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल्स. यहाँ पे कौन सा एनिमल है? पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है, द एनिमल्स दैट वी कीप इन अवर होम्स, जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं, जिन्हें हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं, आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. सो अवर फर्स्ट पेट एनिमल इज डॉग्स.
देयर आर मैनी पीपल हु आर हैविंग डॉग्स एट देयर होम. बहुत लोग हैं जो डॉग्स को पालते हैं. डॉग इज़ अ पेट एनिमल. डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल. डॉग लुक आफ्टर अवर हाउस. इनका डॉग्स क्या करते हैं, हमारे हाउस को गार्ड करते हैं. सो डॉग्स आर पेट एनिमल्स, पालतू जानवर हैं. अवर सेकेंड पेट एनिमल इज रैबिट. रैबिट इज ऑल्सो पेट एनिमल्स, लोग अपने घरों में रखते हैं. दे आर ब्यूटिफुल एनिमल. सो अवर थर्ड पेट एनिमल इज फिश. फिश इज ऑल्सो अ पेट एनिमल्स. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशेस को अपने घरों में रखते हैं इन एक्वेरियम. दे आर मैनी पीपल्स हु आर हैविंग पॉन्ड्स इन देयर होम्स. सो दे आर हैविंग फिश इन दैट पॉन्ड. तालाब होता है कुछ लोगों के घरों में, तो वहाँ उसमें क्या होते हैं, फिशेज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. सो फिश इज ऑल्सो अ फार्म एनिमल, सॉरी पेट एनिमल. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. Which animal gives us wool? कौन सा animal हमें wool देता है? We get wool from sheep. हम लोग को wool कहाँ से मिलते हैं? Sheep से मिलते हैं. So our answer will be sheep gives us wool. Full stop. Which animal gives us wool? Sheep gives us wool. So these are the three questions which we will do in answer the following questions. So now all of you just open your books, page number 34 in your books. Page number 34 आप लोग अपने books में खोल लीजिए. Today we will do this exercise in books only. ये exercise हम लोग करेंगे and you will do this in your books only. All right? So all of you quickly open your books, page number 34. Exercise A, cross the odd one out. Here you have to cross the odd one. Odd one means जो इनमें से अलग हो. जो चार options दिए हुए हैं, इनमें से एक जो different है वो odd है, उसको अलग करना है. So you have to find it out. All right? And put a cross over there. Our first option is cow, buffalo, sheep, goat. You have four options. So you have to find the odd one. इसमें से कौन सा अलग सा है. Cow, cow gives us milk. Buffalo, buffalo also gives us milk. Fish, fish हमें milk देते हैं? No. Goat, we get milk from goat also. So all these animals gives us milk. इन तीनों से हमें क्या मिलता है? Milk मिलता है. But from sheep, sorry fish, we do not get milk. So it is a odd one. So we will put a cross here. All right. Let's move to the second one. Camel, lion, horse, ox. So there are four animals given here. Camels, lion, horse, ox. ये सारे animals क्या हैं? These animals help us to carry the things from वन प्लेस टू अनदर. ये सारे एनिमल्स क्या हैं? हमें लाइक एनिमल हेल्प अस, सॉरी कैमल हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है. इन डेजर्ट एरियाज पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कैमल्स. सो लॉइन, लॉइंस पे क्या हम लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं? नो, दे आर वाइल्ड एनिमल्स. दे आर वेरी डेंजरस. Horse, horse help us to carry the loads and peoples from one place to another. Ox also. So
here the odd one is loin, so we will put a cross here. हनी बी हाइव सिल्क साड़ी बी वैक्स, इसमें से ऑड वन क्या है? हनी बी हाइव सिल्क साड़ी एंड बी वैक्स. हेयर हनी क्या है? इज अ प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम एनी एनिमल. बी हाइव क्या है? बी हाइव इज अ प्ले. बी हाइव्स में कौन रहता है? बीज रहते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर बीज लिव्स, जहाँ पे बीज रहते हैं उसको बीहाइव्स कहते हैं. सिल्क साड़ी, वी गेट सिल्क साड़ी फ्रॉम सिल्क वॉर्म. बी वैक्स, वी गेट फ्रॉम बीहाइव्स. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम एनी एनिमल्स. किसी भी एनिमल्स से क्या है? प्रोडक्ट है जिस हमें किसी एनिमल से मिलता है. बट बीहाइव इज अ प्लेस वेयर बीज आर लिविंग, जहाँ बीज रहते हैं उनको बीहाइव्स कहते हैं. सो इट इज़ अ ऑड वन बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स. लाइक वी गेट सिल्क साड़ीज, सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म, बी बैग्स, हनी, ऑल दीज फ्रॉम बीहाइव्स. बट बीहाइव इज द प्लेस वेयर बीज लिव्स. डक, गूस, बेल्ट, हेंस. सो दीज आर द एनिमल्स विच गिव्स अस एग. तीनों एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं. बेल्ट, बेल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेदर, एक लेदर का प्रोडक्ट है. वी गेट फ्रॉम एनिमल स्किन. सो इट इज़ अ ऑड वन. सो विल पुट अ क्रॉस हियर. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज. ऑल राइट, यू हैव टू डू दिस इन योर बुक्स ओनली. ये काम आपको बुक्स में ही करना है, कॉपी में कोई नहीं करेगा. यू विल डू दिस इन योर बुक्स ओनली. ऑल राइट, नाउ यू जस्ट राइट डाउन योर टूडेज होमवर्क. योर टूडेज होमवर्क इज डू एक्सरसाइज बी पेज नंबर 35. पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज बी दी है, ये आपको करनी है. दिस इज एक्सरसाइज बी पेज नंबर 35. ऑल राइट, यू हैव टू डू द मैच द कॉलम इन द बुक्स ओनली. ये काम भी आपको सिर्फ बुक्स में ही करना है. ऑल राइट, कॉपी में कोई नहीं करेगा. जब मैं करवाऊँगी तो करोगे आप लोग. टिल देन यू हैव टू डू दिस इन योर बुक्स ओनली. Do exercise B page number 35 in your books. All right. ये exercise आप लोग copy में करो, कुछ मैंने copy में करवाया है. ये आप book में करोगे और ये वाला homework है जो आप फिर से book में ही करोगे. All right. Thank you so much. See you in the next video.